बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंक के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 2 साल में कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा, केंद्र सरकार ने यह ठान लिया है। 2 साल के अंदर घाटी में एक आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक आतंकी को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। इसी मंसूबे के साथ में कुलगाम में महज 1 घंटे में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 5 आतंकियों को ढेर किया है। सुरक्षा बलों ने पोम्बाई और गोपालपुरा गांव में मुठभेड़ के बाद में इन आतंकियों को ढेर किया। मुठभेड़ में टीआरएस कमांडर भी मारा गया है। फिलहाल दोनों ही जगहों पर मुठभेड़ अभी भी जारी है, क्योंकि माना जा रहा है कि यहां पर और भी आतंकी मौजूद हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की हुई है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। उधर पुलवामा में भी पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार यहां पर सुरक्षा बल करने में कामयाब रही है, बड़ी सफलता ये कहा जाए। पिछले कुछ समय से लगातार घाटी में जिस तरह से हालात हैं, सुरक्षा बल पुलिस और ये का जो अलग अलग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद में आतंकियों को ढेर करने या गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल भी हुई है। पिछले कुछ समय के अगर हम आंकड़ों को देखें भी तो उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा बल कैसे अब आतंक और आतंकियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के एक निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। और प्रदीप दत्ता इस समय मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं। प्रदीप, पिछले कई दिनों से जो ऑपरेशन जारी है, पिछले कुछ समय से जिस तेजी से ऑपरेशन जारी है, ये स्पष्ट हो जाता है कि आतंक और आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस इसी तरह से सुरक्षा बल अपनाते रहेंगे और ये जो हाल ही में आतंकी ढेर किए गए उससे स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से एक बहुत ही खास बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि आने वाले 2 साल के बाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर जन्नत बन जाएगा और घाटी कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जब वो बात कहते हैं तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि फिजा बदल चुकी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से आप देखेंगे आतंकवाद में कितनी कमी आई है, और अगर आप देखेंगे पत्थरबाजी के इंसिडेंट 99% उसमें कमी आ चुकी है। वरना कोई भी दिन नहीं गुजरता था जम्मू कश्मीर में जब पत्थरबाजी के इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं होते थे। और दूसरी तरफ आप देखिए टूरिज्म सेक्टर में भी कितना बढ़ावा है। 8,000 के करीब रोज लोग वहां से डिफरेंट इलाकों में से भारत के कई क्षेत्रों में से यहां पे आते हैं जम्मू कश्मीर में। और तीसरी चीज, आप जैसे बात कर रहे थे ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन तो वैसे भी चल रहा है। 3 दिन में 10 आतंकवादियों को मार गिराया और पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादियों को मार गिराया कुलगाम में, जिसमें टीआरएफ का एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर आफाक सिकंदर भी है जो पिछले कई महीनों से आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्वस था और उसकी कोशिश थी कि सिविलियंस को मारे और एक बार फिर से बाई का माहौल क्रिएट करे। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी डिवाइस की गई है कि किस तरीके से हमें आतंकवाद का सफाया करना है, उन्हें जहन्नुम पहुंचाना है और कश्मीर को एक बार फिर से जन्नत बनाना है। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि जिस तरह से सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का एक तरह से मॉड्यूल चेंज हुआ है, आतंकियों ने भी अपने तौर तरीके बदले हैं। अब ऐसे में क्या विशेष तैयारी की जा रही है, क्या अब अलग तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा? देखिए, अब पाकिस्तान एक चीज़ जान चुका था, कन्वेंशनल वॉर तो भारत के साथ लड़ नहीं सकता। उन्होंने कोशिश की 1947 में 1965 में 1971 में और फिर कारगिल में भी, हर बार उन्हें मुँह की खानी पड़ी। इस फिर उन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू की जो 3 दशक से चल रही थी। अब उन्हें लगा कि प्रॉक्सी वॉर से भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब उन्हें हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू की है जिसमें पार्ट टाइम टेररिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पिस्तौल दी जाती है, आप जाइए आप मारिए, एक भय का माहौल क्रिएट करिए, खौफ का माहौल क्रिएट करिए, ताकि वैसे ही हालात हों जैसे कि 90 के दशक में होते थे। उनकी पूरी कोशिश है। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा बलों की बात है तो उन्होंने इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग और पुख्ता कर दिया है इस तरीके से कि
कि जैसे ही कोई कोशिश भी कर रहा होता है तो लोगों की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग तंग आ चुके हैं, जो ये इंफॉर्मेशन आ रही है टाइमली पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन सुरक्षा कर्मियों को मिल रही है, ये कहां से मिल रही है? आम नागरिकों से मिल रही है। आम नागरिक जो है कश्मीर के, वो तंग आ चुके हैं, वो आतंकवाद का सफाया चाहते हैं, और यही एक बदलाव है, यही एक फिजा है, यही एक मानसिकता जो बदली है। पहले वक्त होता था कि लोग उन्हें सपोर्ट दिया करते थे, अब लोग उन्हें सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। यही एक वजह है कि लगातार आप देखते जा रहे होंगे हर दिन एक ना एक आतंकवादी ढेर होता जा रहा है। हाँ, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि हालात फिर से खराब किए जाएं, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसे यहाँ पे खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उसे यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी नहीं लगती, उसे यहाँ की डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगती, इसलिए अक्सर उसकी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करें जिससे लोगों में खलबली मचे, एक हालात खराब हो, ताकि यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर जो बढ़ा है पिछले कुछ दिनों से उसमें कमी आए, इकॉनमी में कमी आए और लोग आतंकवाद की तरफ जाएं। लेकिन कश्मीर के लोगों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी वजह से लगातार आप देखते जा रहे होंगे आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। यही एक वजह है कि मनोज सिन्हा ने जो ये स्टेटमेंट दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि दो साल के बाद आप देखेंगे पूरी तरह से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा, एक बार फिर से जिसे कहते हैं अगर फिरदौस पर भरोए जमीन हस्तो हम ही हस्तो हम ही हस्तो हम ही हस्तो, मतलब कि अगर कहीं भी जन्नत है तो यही है, यही है, यही है, और घाटी कश्मीर में आपको जन्नत जल्दी ही मिलेगी। 10 आतंकियों का खात्मा, ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट आतंकियों का जारी। प्रदीप, आप बने रहिए मेरे साथ में एक बड़ी